तो अगेन एक और फिजिकली फिट बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल अपना एक्सीलेंट मारा है, ऐसे ग्रुप से फिर से आपके सामने मैं रिव्यू के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा। देखिए आज तीसरा दिन है, नागपुर और अकोला दो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आज आए हुए हैं, कल है आपका चौथा दिन, ठीक है। मतलब आज मॉर्निंग से बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं और कल जो है चौथा दिन है और शायद तक कल लास्ट है जीडी का, ठीक है। उसके बाद क्लर्क का भर्ती चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम जो कवरेज था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। चलिए इनसे जानते हैं इनका कितने का फिजिकल रहा, क्या एक्सपीरियंस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपका शुभ नाम? गौतम धोसे। कौन से जिले से? वाशिम। वाशिम से। आपका फाइल कितने का था? 100 का। 100 का फाइल। कितने बच्चे लिए उसमें? 21, 11 एक्सीलेंट में लिए और 10 सेकंड में लिए। आपका कौन सा सेकंड ग्रुप है, एक्सीलेंट है या फिर सेकंड ग्रुप? एक्सीलेंट है। 100 का फिजिकल है? 100। अच्छा, देखिए ये भाई भी 100 का है और जितने भी अभी तक मैंने आपसे रिव्यू दिलवाए हैं सभी मैक्सिमम बच्चे 100 फिजिकल वाले ही हैं और कहीं ना कहीं इनके वाकई में फर्स्ट ग्रुप इनकी सील लगी हुई थी। ये अभी थोड़ा सा ये यहाँ देख सकते हैं, ये नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी ये एक्सीलेंट वाले बच्चे हैं, इसमें कोई ऐसी दोराई वाली बात नहीं कि कुछ फेक चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सभी सिलेक्टेड बच्चे हैं, आप ही के बीच से निकले हुए हैं तो गलत जानकारी नहीं देंगे। अच्छा, जो बच्चों की भर्ती हैं, ठीक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारी हाइट इतनी है तो वेट कितना चाहिए, क्या सर हाइट के अकॉर्डिंग वेट में बाहर कर रहे हैं, तो ये इसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि जिसकी हाइट 172 है 170 है उनका वेट लगभग 53-54 किलो होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। अच्छा। देखिए ये बात कल भी एक बच्चे ने बताई थी कि आप घबराएं नहीं, नॉर्मली है ये चीज़, पहले भी होती आई है, बट कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा ना लें कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट हो रहा है तो सर हमारी 180 है तो हमारा वेट कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है भाई। और मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बिल्कुल पूरा BMI का जो चार्ट है उसको लेकर आने वाला हूँ, तो घबराएं नहीं। अगर आपकी हाइट 170 ऊपर है तो आपका मिनिमम 53 तो होना ही चाहिए वेट, उसके अब वो होगा तो चलेगा अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेंटेन करके चलिए, आपका वेट ज़्यादा भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, जितना मापदंड दिया हुआ है प्रोसेस में उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठेंगे तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा, ठीक है। और हाइट बीम आपने कितने है? मतलब बीम में बच्चे वहाँ पर बाहर हो रहे हैं क्या? बीम में लगभग इतने बच्चे नहीं हो रहे, 6 लग रहे, हमारा तो 10 है समझा, पर मिनिमम 6 लगते हुआ। अच्छा, मिनिमम 6 लगते। अच्छा, आपकी ग्रुप में आप कितने बच्चे सिलेक्ट हैं टोटल? हमारे ग्रुप में हम टोटल 17 बच्चे सिलेक्टेड रहे, 4-5 बच्चे कुछ वेट में गए, कुछ हाइट में गए। अच्छा, इनके इसमें से 3-4 बच्चे रिजेक्ट हुए, कोई वेट में गया कोई हाइट में गया है। अच्छा, आपके इसमें से कितने बच्चे ऐसे जो आपको लगता है कि पहली भर्ती वाले हैं या एक्सपीरियंस बंदे हैं? एक्सपीरियंस बंदे लगभग 10-12 होंगे, उसके बाद सब पहले भर्ते वाले। तो एक्सपीरियंस बंदों ने बाजी मारी है और जो प्रेशर बच्चे हैं पहली बार देने वाले हैं उनकी, जो इनके ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो उसमें 3-4 बच्चे नए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अभी आपका मेडिकल के लिए जा रहे हैं है ना? हाँ, मेडिकल लेकर। मतलब आपको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, जो आप पूछ रहे थे कि मेडिकल के लिए कब बुलाया जाता है, तो इनका कल फिजिकल था रात को, अभी अब मॉर्निंग में इनको रिपोर्टिंग करना है। ये बस अब रेडी हैं सभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये अब मेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इनको सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट, पूरा सभी का मेडिकल क्लियर हो और फाइनल मेरिट में इनका नाम आए और फाइनली यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करें। और क्या मैसेज देंगे जो यूथ इंडिया लेवल पर जिनका भी रिक्रूटमेंट बचा है उनको आप इस नागपुर की धरती से जहाँ पर इंडिया का पहला रिक्रूटमेंट फिजिकल हुआ है, तो यहाँ से आप क्या मैसेज देंगे बच्चों को, किस तरीके से ओवरऑल एक शॉर्ट में बताइएगा कि कैसी भर्ती हो रही है इस पर? भर्ती तो बहुत ही अच्छी हो रही है, बच्चे भी ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं कम बच्चे छोड़ रहे, 100-100 बच्चे छोड़ रहे, ज़्यादा ले रहे, ऐसा ही चलता रहेगा, सब आरओ में ऐसे ही होगा। अच्छा, लगभग। देखिए भाई का कहना है कि सभी आरओ में लगभग सेम प्रोसेस होने वाली है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है मेरे भाइयों, है ना। अच्छे वीडियो सही जानकारी जहाँ से मिल रही है उनको उन पर फोकस करिए, गलत वीडियो देखकर भ्रमित ना हो, ठीक है। अच्छे बच्चे ले रहे हैं, कम बच्चे दौड़ा रहे हैं। एक फाइल में हमने बताया कि 50 बच्चे भी लिए दौड़े हैं और उसमें से 50% बच्चे ले लिए, तो इससे अच्छी भर्ती और कहाँ होगी? आपको मौका दिया जा रहा है पूरा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कितना भी मौका मिल जाए आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आप सभी को इस नागपुर की धरती से यही मैसेज देंगे कि ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट है आर्मी का बहुत अच्छा हो रहा है, अपनी तैयारी करते रहिए, डीमोटिवेट ना हो, आप भी सिलेक्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।